हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UGC NET पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो है हम MCQ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो भी हमने स्लाइड्स में अंडरस्टैंड किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, हम उसके बेसिस पे जो है कुछ MCQs यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से मैंने उठाए MCQs, ठीक है। ये टोटल 25 MCQs होंगे और इस पार्ट में हम 10 MCQs करेंगे, बाकी 15 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखते हैं और प्लीज़ अपने इवेल्यूएशन खुद कीजिएगा और प्लीज़ देखिएगा कि आपको कितने MCQs इसमें से आ रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कौन से कितने आपने सही किए 10 में से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? जॉर्ज बर्कले हैज़ गिवन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय हिम। जैसा कि हमने पढ़ा है फर्स्ट टॉपिक में कि जॉर्ज बर्कले ने जो है 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। इनमें से 3 तो उसने दिए, लेकिन एक कौन सा है जो उसने नहीं दिया है? आपके ऑप्शन हैं पीपल, प्रोसेस, एक्शन एंड इंटरेक्शन। अब ये आप इस वीडियो को पॉज करके भी अपना दिमाग लगा सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है प्रोसेस। उसने 3 चीज़ें दी थी, 3 एस्पेक्ट्स दिए थे और एडमिनिस्ट्रेशन के, कौन कौन से? पीपल, एक्शन और इंटरेक्शन, ठीक है। इसने प्रोसेस नहीं दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप्स। कौन से स्कॉलर ने कहा कि एक्टिविटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रुप की एक्टिविटीज़ के बारे में है, ठीक है? साइमन, गुल्लिक, फिफनर या वुडरो विल्सन। आंसर है साइमन, ऑप्शन ए, ठीक है। साइमन ने कहा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली जो टेक्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किसने लिखी? वुडरो विल्सन, साइमन, फ्रैंक जे गुडनाउ या एलडी व्हाइट। इसका सही आंसर है एलडी व्हाइट। ये जो थिंकर्स है, स्कॉलर्स के नाम हैं, ये आपने हमेशा जो है पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में स्ट्राइक करते जाएं, क्योंकि आगे हमने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। इनकी थ्योरीज पढ़नी है, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो प्लीज़ इनको जो है पढ़ें, इनको समझें कि ये कौन कौन से थिंकर्स हैं, ठीक है। आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखी? इसका सही आंसर है फ्रैंक जे गुडनाउ, ठीक है। ये लिखी थी इसने 1900 में, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। इसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिक्स है, दैट इज़ द स्टेट विल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिंग दैट विल। ये उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दी थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैड स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इयन ग्लैडन, गुल्लिक, निकोलस हेनरी, विलॉबी। इसका सही आंसर है निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी ने कहा था कि स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी की स्टडी एंड प्रैक्टिस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और अपने हिसाब से आंसर्स दे सकते हो, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन 10 में से सही किए। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय एफ ए निग्रो एंड एल जी निग्रो डज नॉट इंक्लूड। अब इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जिसमें 5 पॉइंट्स थे, हमने पढ़ा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दी थी। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वो डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कौन सा पॉइंट इसमें से नहीं है। बाकी 3 तो है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है वो बताना है आपने। इसका सही आंसर है कवर्स ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब इसने जो 5 पॉइंट्स दिए थे उसमें से 3 कौन कौन से थे? कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपके डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एसोसिएटेड विद प्राइवेट ग्रुप्स भी है, लेकिन कवर्स ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज इट कवर्स ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसमें सिर्फ कहा है कि भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही ये कवर करता है, जो कि गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट गिवन बाय। अब इनमें से 3 थिंकर ऐसे हैं जिन्होंने इंटेग्रल जो व्यू है एडमिनिस्ट्रेशन का वो दिया है, लेकिन एक ऐसा है जिसने नहीं दिया, वो कौन सा है वो आपने बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर है गुल्लिक। गुल्लिक ने मैनेजीरियल व्यू दिया था, ठीक है, और इंटीग्रल व्यू किसने दिया था? एल डी वाइट, डी मॉक और जे वीएक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप। हरमन फिनर, एल डी वाइट, डी मॉक और वुडरो विल्सन। किसने कहा कि स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप, कि स्टेट हर जगह है, इसमें कोई मतलब कोई भी चीज़ जो है स्टेट के इन्फ्लुएंस के बिना नहीं है, किसने कहा था ये? इट वॉज हरमन फिनर, ठीक है, इन्होंने कहा था कि स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें,
हु सेड इफ सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसने कहा ये? डिमॉक ने कहा, साइमन ने कहा, डब्ल्यू बी डोनहम ने कहा, हेनरी फ्योर ने कहा। ये लास्ट टू लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन आया था, 2019 जून 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो प्लीज़ इसको जो है ढंग से पढ़ना है स्टेटमेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू बी डोनहम, ठीक है। क्या कहा था इसने? इफ़ सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंसेज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय पी एच एपल बाय। अब पी एच एपल बाय ने डिफरेंसेज दिए थे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, कौन कौन से डिफरेंसेज थे वो? पहला है पॉलिटिकल करेक्टर, ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें आपने बताना कि कौन सा है इसमें से सही आंसर, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। पी एच एपल बाय ने जो डिफरेंशिएशन किया था पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें ये तीनों आते हैं। कौन कौन से? पॉलिटिकल करेक्टर, ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सो आज के क्वेश्चंस में इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम 15 और क्वेश्चंस करेंगे, और टोटल जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से हमने 25 क्वेश्चन निकाले हैं, 10 हमने आज कर लिया, 15 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट प्रिपरेशन, प्लीज़ स्टे विद मी फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।